धनबाद में एक बार फिर डेंगू ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि पीएमसीएच में डेंगू से पीड़ित 3 मरीजों को भर्ती किया गया है, लेकिन पीएमसीएच में डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स भी उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, मरीजों को इलाज के लिए सामान्य वार्ड में रखा गया है। सुख सुविधा क्या ये हमारे लिए सलाइन चढ़ रहा है, और जो नर्स है वो जो सबके साथ करती है वो मेरे साथ भी कर रही है, इंजेक्शन दे रही है। मतलब कोई वार्ड की व्यवस्था नहीं है? नहीं नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा तो अभी तक तो मेरे ऐसा कुछ नहीं मिला हमको अभी तक। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को डेंगू है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, डेंगू का मरीज 3 नहीं आया, सस्पेक्टेड है। अभी उसकी कंफर्मेटरी जांच हो रही है, डेंगू का जांच होगा, अगर उसमें पॉजिटिव पाया जाएगा तब हम लोग कहेंगे वो डेंगू का मरीज है। बाहर से रेफर किया है, एक तो मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ी हुई एक मरीज जो है, दूसरे को बुखार बहुत दिन से थी, 10 दिन से बुखार थी, वो लोकल में इसरी में ट्रीटमेंट करा रहे थे किसी लोकल डॉक्टर से, उनको यहाँ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पीएमसीएच में मरीजों के इलाज के लिए कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।